बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों जब एजुकेशन न्यूज़ में शामिल है दोस्तों, आप लोगों के पास में एक और इश्तहार ला चुका हूँ, और वो ये कि DHQ आर्मी में बहुत ज़्यादा आसामियाँ हाल हैं, और ये मुख्तलिफ फील्ड्स में आसामियाँ हैं। तो दोस्तों वीडियो पे जाने से पहले और इस इश्तहार को तफसील से पढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ जॉब एजुकेशन की वीडियो अपलोड करते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि ये इश्तहार पूरे पाकिस्तान में हो चुका है। तो दोस्तों सिचुएशन वैकेंट एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग टेम्पोरारी पोस्ट लाइक टू बिकम परमानेंट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Brief term and condition for eligibility are indicated against each. दोस्तों इसमें नेम ऑफ पोस्ट है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, और नंबर ऑफ पोस्ट है, और इसके अलावा प्रोविंशियल कोटा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरे पाकिस्तान में है, तो ये सूबाई कोटा के हिसाब से है। तो इसमें है असिस्टेंट BPS 5 ग्रेजुएट तालीम है, और 20 वर्ड पर मिनट है, कंप्यूटर लिटरेट हो, 18 से 33 साल इसकी उम्र होनी चाहिए, 23 पोस्ट हैं। दोस्तों आप ये खूब पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियो बड़ी और लंबी होती जा रही है। तो नंबर दो पे हैं स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट BPS 15 ग्रेजुएशन विद स्टेटिस्टिक और मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। दोस्तों ये पंजाब से हैं, दो आसामियाँ हैं, और इसके लिए 18 to 30। दोस्तों एज लिमिट सभी का 18 से लेकर 30 साल होने चाहिए। तीसरा स्टीनोटाइपिस्ट इंटरमीडिएट मिनिमम स्पीड 60 और 40 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड एंड टाइप स्पीड, कंप्यूटर मस्ट बी लिटरेट। तो इसके लिए भी 31 आसामियाँ हैं, और सिक्योरिटी सुपरवाइजर टेक्निकल BPS 4 15 सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेटर 18 से 33 साल, और सिर्फ पंजाब से एक आसामी है। DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर सेकेंड क्लास ग्रेजुएट, और ये भी एक आसामी है, और वो भी पंजाब पे हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट BPS 12 है, ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस पब्लिक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट, 18 से 33 साल होने चाहिए, और पंजाब से होना चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कैमरा कंप्यूटर BPS 12, तो DAE इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर हार्डवेयर विद 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट, और 18 से 30 साल 5 ईयर एक्सपीरियंस है। इसके अलावा DAE कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, और ये एक आसामी है। इसके अलावा कैमरा ऑपरेटर है, मेट्रिक है, 18 से 30 साल होने चाहिए, और पंजाब से हैं। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट इसकी तालीम है, 18 से 30 साल, दो आसामियाँ हैं। दोस्तों टेक्नीशियन असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, इंटरमीडिएट है, 3 ईयर एक्सपीरियंस, और ये भी पंजाब से है, एक आसामी है। UDC दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आसामियाँ हैं, अपर डिवीजन क्लर्क इंटरमीडिएट है, 25 वर्ड पर मिनट है, कंप्यूटर लिटरेट, इसमें मेरिट 4 पे है, पंजाब 27, इसमें मेरिट 4 पंजाब 27 और KPK में 7। तो दोस्तों असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइजर टेक्निकल BPS 11, और इसमें भी बहुत ज़्यादा 6 आसामियाँ हैं। दोस्तों इसके अलावा ट्रांसलेटर है, ग्रेजुएट है, एक आसामी है, और पंजाब से होना चाहिए। टेक्निकल हाइड्रोलिक्स एक्सरे मशीन है, मेट्रिक अलाइन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, 4 आसामियाँ हैं। और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क मेट्रिक, ये भी बहुत ज़्यादा आसामियाँ हैं, और 42 आसामियाँ हैं, जिसमें मेरठ पे 4, KPK में 5, और पंजाब से 21। कैलीग्राफिक्स मेट्रिक इनाफ नॉलेज उर्दू एंड एक्सपीरियंस कैलीग्राफी, और 16 से 40 साल, 7 आसामियाँ हैं, एक मेरठ पे हैं। और टेक्नीशियन जनरेटर मेट्रिक एलांगी 3 एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड,
एक आसामी है और एक सीन्स है। तो प्रोजेल 19 नंबर पे हैं, प्रोजेक्ट लिसन। और इसके लिए एलिजिबिलिटी टू रीड एंड राइट इंग्लिश एक्सपीरियंस वर्किंग ऑफ 35 एंड 35 मिनट फिल्म्स, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स, फॉर एक्सपीरियंस एज सिनेमा ऑपरेटर। तो दोस्तों ये पंजाब से हैं दोस्तों, इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन हैं, मगर मैं आपको सरसरी बताता हूँ कि आप SNIC अपने तमाम तर तालीमी दस्तावेजात पोस्ट बॉक्स नंबर 750 GPO रावलपिंडी 27 सितंबर तक इरसाल करने चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन टू BRS 200 विदाउट एनी एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस, ऑनलाइन अकाउंट टाइटल CAO, एग्ज़ाम फीस फंड नंबर देमरा 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 इतना इतना, NBP GHQ ब्रांच ब्रांच कोड 0330 रावलपिंडी पे आपको डिपॉजिट करना चाहिए। और इसका आखिरी तारीख 27 सितंबर 2021 है। तो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब।